मत प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सिस्टम बनाया कि उनका टैक्स, उनका ऋण कैसे चुकाया जाए। उस वर्षा का, जो वरुण देवता का जो वर्षा करते हैं, नदियों का, पर्वतों का, भूमि का, जल का, वायु का, कैसे हम ऋण चुकाए, कैसे उनका टैक्स दे उनको, कैसे उनका हम ऋण हो जाए। यज्ञ करो भैया, वायु शुद्ध होगा, या प्रणाम करो भैया तो सूर्य देवता को, जो यज्ञ करोगे तो वायु शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगा तो हवा शुद्ध चलेगी, हवा शुद्ध चलेगी तो फिर स्वाभाविक है कि वृक्ष जो है होंगे, वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो सूर्य देवता जो है वो शुद्धिकरण होगा, तो सूर्य देवता के प्रकाश भी आ जाएंगे, सूर्य भी अच्छे से प्रकाशित होगा, सब प्रसन्न रहेंगे। तो अन्ना भवन्ति भूतानि, ये भूत कहाँ से आते, भूत मतलब वो भूत प्रेत वाले भूत नहीं, भूत मतलब प्राणी। अन्नात भवन्ति भूतानि, ये अन्न से उत्पन्न होते प्राणी, क्योंकि अन्न खाते हो तो उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, फिर मेद बनता है, फिर उससे मेद के बाद जो है अस्थि बनती है, अस्थि से फिर मज्जा बनता है, उसके फिर वीर्य बनता है, वीर्य के द्वारा फिर वो पिता के द्वारा, पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में स्थापित होता है, उससे जीवों की उत्पत्ति होती है। ये अन्न से होता है, अन्नात भवन्ति भूतानि, ये साइंस किसका है, ये सब ऋषि मुनि का ज्ञान, वहाँ कोई नहीं था ये सब यंत्र तंत्र मंत्र प्रयोगशाला, फिर भी उनके पास ज्ञान इतना अद्भुत बता दिया उन्होंने कि अन्न से सब जीव की उत्पत्ति होती है, पहले ही सबको समझ। फिर ये अन्न कहाँ से आता है, बोले पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य माने वर्षा, वर्षा न हुआ तो अन्न बना लेंगे, हमारा हमारे यहाँ तो नई वर्षा में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है ना, प्राकृतिक वर्षा कर देंगे। अगर 3 वर्ष भी अगर वर्षा न हुई ना तो तुम कीड़े मकोड़े की तरह मर जाओगे, सारा प्रकृति, एक आदमी नहीं दिखेगा पृथ्वी पर, सारा तुम्हारा टेक्नोलॉजी सब धरी रह जाएगी, नदियां अपने आप सोख लेगी, कहां से पीने को पानी ना मिले तुमको, कोरोना काल में सिलेंडर नहीं मिल सका तुमको ऑक्सीजन का, 1 मिनट में प्रकृति का एक छोटा सा झटका नहीं सहन कर सकते, तो उसे प्रकृति के आगे आदमी के अहंकार उभर गए थे, हमें प्राकृतिक सूर्य बना लिया हमने, बना लिया, समय आएगा प्रकृति बताएगी तुम लोगों को, समय आ ही गया वैसे। पर्जन्यात अन्न संभव, वर्षा जो होती है वो अन्न से होती है, लेकिन ये वर्षा कहाँ से होती है, बोलते यज्ञात भवंती पर्जन्य, ये देखो सूत्र, यज्ञ से ही वर्षा होती है, आप लोग यज्ञ करो हवन करो तो बराबर वर्षा होती है, वायु शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होता है तो अपने आप वृक्ष आदि जो है शुद्ध हवा को ग्रहण कर लेते हैं, पुष्ट होते हैं और वो वर्षा होती है, ये क्रम चलता है प्रकृति का। और यज्ञ कर्म समुद्भव, ये यज्ञ कहां से आएगा भाई, कर्म से आएगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म कहां से आएगा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये कहां से आएगा, वेद से, ब्रह्मोद्भव मतलब वेद से होगा, शास्त्र से होगा, कर्म ब्रह्मोद्भव मतलब जिसमें ब्रह्म ज्ञान है वहां से कर्म, अब उसी अनुसार कर्म होगा। ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, अब ये ब्रह्म कहाँ से आता है, तो ये अक्षर से आता है, अक्षर माने कौन, ओंकार, एक ओंकार, ओम से, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरण तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इससे सीधा सिद्ध होता है, ये सब चीजों से क्या सिद्ध करे भगवान, इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, नारायण यज्ञ में ही नारायण प्रतिष्ठित है, इसीलिए यज्ञ के द्वारा ही पहले सब पूजा पाठ होती थी, यज्ञ से सारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तुम लोगों ने सब कुछ कर रहे हो आज के समय में, यज्ञ ही नहीं कर रहे, यज्ञ में ईश्वर है, अब मैं तो नहीं कह रहा हूं भाई ये बात, भगवान स्वयं कह रहे ब्रह्म नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम, जो है ब्रह्मा नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित, नित्य रूप से सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित है, मतलब आप पितृयज्ञ करते हो तो आपको ईश्वर की उपासना है, शास्त्र का अध्ययन करते मतलब ईश्वर की आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होता है, यज्ञ ही समाप्त करती है महाराज, हमने यज्ञ ही समाप्त करके महान हो गया,